नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से सेम के फसल की आपको देखिए जानकारी देने वाला हूं। तो ये फूल जो है देखिए, ये सेम और जिसे मराठी में घेवड़ा कहते हैं, तो देखिए किस तरह से इस पे फल ये लगे हुए हैं। ये फल जो है झोंपक झोंपा लगे हुए हैं और इस तरह से इसमें ये फल लगा हुआ है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से देखिए, पहले ये फूल होता है। अब ये जितने फूल लगे हुए हैं उतने इन फूल जो हैं फल के रूप में तैयार हो जाएंगे। देखिए आप, ये जो घेवड़े का बाग है, इस तरह से बांस के लट्ठों पर, बांस के लट्ठे जो लगाए गए हैं, इसके बाद यहाँ तार लगाया गया है। और ये देखिए इस तरह से झोंपे के रूप में ये सेम जो है फरी हुई है इस तरह से। अब ये प्लास्टिक का कागज लगाने का कारण है कि इसके नीचे जो घास होगी वो घास उग करके नहीं आएगी। तो आप इस वीडियो के माध्यम से सेम के फसल के बारे में जानकारी प्राप्त करिए। तो देखिए एक सेम की फसल जो है किस तरह से इसके पौधे लगे हुए हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि सेम का ये फल जो है, और इन फलियां थोड़ी बड़ी हो जाएंगी तो इनको तोड़ करके सब्जी मार्केट में ले जाते हैं। तो इस तरह से ये देखिए बहुत सेम के फल जो इस तरह से बीच बीच में आने जाने के लिए जगह है और बांस के लट्ठे लगे हुए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप प्रत्यक्ष रूप से सेम के पौधे का आप दर्शन कर सकते हैं। तो देखिए ये पौधा जैसे सूख गया है और इसके जो फल हैं ये पक गया है। देखिए ये पक जाने के बाद और ये हरा है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से सेम के फसल की पैदावार देखिए और देखिए किस तरह से सेम के फल ले लगे हुए हैं। ये जो अंत तक है लाइन से लगाया गया है और इसके फूलों को तो आप देख रहे हैं, पहचान जाएंगे कि ये सेम के फूल हैं। और ये फूल जो हैं फल में परिवर्तित हो जाएंगे, जितने फूल उतने फल, जितने फूल देखिए उतने फल लगेंगे। इन फलों को फिर तोड़ करके सब्जी मार्केट में, और इसका उपयोग सब्जी बनाने के लिए किया जाता है। धन्यवाद सभी को। आप इस वीडियो के माध्यम से सेम के पौधों की जानकारी और उसके फल की जानकारी प्राप्त करिए और मेरे वीडियो को, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।